सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल गौती ऑन द रोड्स। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि हम बेस्ट एक्सचेंज रेट पर जो है करेंसी कहाँ से एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो थ्री वेबसाइट है, EBCash, थॉमस कुक एंड बुक माई फॉरेक्स। सो मेरे को जैसे सिंगापुर जाना था तो उसके लिए मुझे सिंगापुर डॉलर चाहिए था। चलिए अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे कि मैंने करेंसी एक्सचेंज रेट मैंने कैसे चेक किया था तीनों वेबसाइट पे, और वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गो गाइज ऑन द लैपटॉप स्क्रीन। तो गाइज मैं अब जो है अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि हम जो है बाय फॉरेक्स कैसे करते हैं, और मैं अभी EBCash की वेबसाइट पे हूँ। तो EBCash की वेबसाइट में सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना है, ये ऊपर आपको फोर ऑप्शन दिखेंगे। आपको जाना है EBCash फॉर कंज्यूमर में, EBCash फॉर कंज्यूमर के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर नीचे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉरेक्स का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद अपनी सिलेक्ट करनी है यहाँ पे सिटी कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे उसमें। तो जो सी सिटी में आप रहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फॉरेक्स, आपने फॉरेक्स में मतलब बाय करना है, सेल करना है, मनी ट्रांसफर करना है, रीलोड करना है। तो अभी मैं आपको बाय करके दिखा रहा हूँ फॉरेक्स। तो उसके बाद यहाँ पर हमने इधर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है या कैश है वो देखना है। तो मेरे पास कैश था उस टाइम पे, तो मैंने कैश जो है परचेज किया था। और पर्पस क्या है आपके ट्रिप का, तो आप किस पर्पस से जा रहे हो, इसमें यहाँ सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरा पर्सनल विजिट था तो मैंने यहाँ पे कर दिया था पर्सनल विजिट, मतलब टूरिस्ट पर्पस। और यहाँ पे आपने इधर क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो रिलेशन है किसके लिए आप जो है ये खरीद रहे हो, तो मैं अपने लिए खरीदा था, मैंने माई सेल्फ क्लिक किया था। और यहाँ पर आपने क्लिक करना है कौन सी करेंसी जो है आपने परचेज करनी है, तो आपके हिसाब से जो कौन सी आपने करेंसी परचेज करनी है वो यहाँ पे आप देख के कर सकते हैं। तो मैंने सिंगापुर डॉलर लिया था। उसके बाद यहाँ पे फॉरेन अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट जो है आपने परचेज करना है। तो यहाँ पे 400 समथिंग जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। और ये आपको इसके बाद जब आप मोबाइल नंबर दे देंगे तो यहाँ पे आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको पूरी डिटेल दिखा देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे आपने प्रोसीड पे क्लिक किया तो आपको ये अमाउंट दे देगा कि कितना INR में बनेगा ये। तो इसका जो INR बनेगा वो बन रहा है ये, और ये दे रहे हैं GST लगा रहे 46.55, सब टोटल 25,860 बन रहा है इसका प्राइस। और ये रेट इस 64.65 के रेट पे दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं बाकी वेबसाइट से मुझे ऐसा लग रहा है, पर आगे भी देखेंगे। और अमाउंट हमें इतना पे करना है GST और सर्विस चार्ज लगा के। तो गाइस फिर हम उसके बाद जो है बुक माई फॉरेक्स में आ गए। तो बुक माई फॉरेक्स में सबसे पहले सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन सी सिटी है आपकी। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने जैसे सो उसके बाद यहाँ पर कौन सी करेंसी है, इंडियन रुपीज है। तो और यहाँ पे करेंसी कौन सी चाहिए उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फॉरेक्स कार्ड है या करेंसी नोट्स है उसके हिसाब से देख लीजिए। मैं करेंसी नोट्स से, तो करेंसी नोट्स भी मैं देख रहा था उस टाइम पे, और ये इतने रेट पे जो है सिंगापुर डॉलर दे रहे हैं हमको, 63.42 के रेट पे जो है सिंगापुर डॉलर सेल कर रहे हैं, अच्छा प्राइस है। थोड़ा इतना INR अमाउंट मिलेगा पहले यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, जैसे 400 सिंगापुर डॉलर का हमें मिल रहा है, 25,369 ठीक है, उसके प्राइस से तो बेटर ही है। और यहाँ पे जैसे आप बुक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फिर उसके बाद। तो ये सिंपल सा ऑप्शन था। और अब हम आ जाते हैं थॉमस कुक में। तो थॉमस कुक की वेबसाइट में आप जब जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे ऊपर। तो यहाँ पे टॉप पे आपको फॉरेक्स का ऑप्शन था, यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आपको बाय करना है, सेल करना है, रीलोड करना है, उस हिसाब से देख लीजिए। तो अभी बाय करके दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ पे चेक रेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो चेक करा हमने यहाँ पे कैश के थ्रू, तो उसके बाद फिर करेंसी कौन सी है, तो करेंसी सिंगापुर डॉलर। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फॉरेक्स अमाउंट डाला, तो मैं देखता हूँ कितना आएगा। और यहाँ पर ये अमाउंट जानने के लिए बोल रहे हैं कि अपना नंबर और ईमेल आईडी दो, तब भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे मैंने नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया है अपना, और मैं अब देखता हूँ यहाँ पे कितना क्वाट आता है हमको प्राइस पे। ओके, हमें आ रहा है 25,903। तो सबसे बेस्ट अभी जो क्वाट आ रहा है ना, जब मेरे को उस टाइम में थॉमस कुक का आ रहा था, बट अभी जो बेस्ट क्वाट आ रहा है वो आ रहा है हमको बुक माई फॉरेक्स में। तो हम जो है बुक माई फॉरेक्स से ही परचेज कर सकते हैं। सो यही है कि थॉमस कुक और बुक माई फॉरेक्स में थोड़ा कंपटीशन चलता रहता है कि कौन सी जो है वेबसाइट दे रही है अच्छे प्राइस पे। और सबसे बेस्ट एक्सचेंज रेट जो है US डॉलर का मिलता है, तो हर कंट्री में जो है US डॉलर एक्सचेंज हो जाता है।
तो मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, मैं फिलीपींस में भी सिंगापुर डॉलर ले गया था जिसका मुझे अच्छा एक्सचेंज रेट नहीं मिल पाया वहाँ पर, तो यूएस डॉलर होता तो अच्छा एक्सचेंज रेट मिल जाता। तो फिलहाल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि सिंगापुर डॉलर कैसे दिखते हैं। तो सिंगापुर डॉलर का सबसे स्मॉल नोट है ये 2 डॉलर का, इसे देख सकते हैं आप। और इनके यहाँ पर जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट की फ़ोटो बनी हुई है, और उसके बाद मेरे पास ये वाला नोट है 5 डॉलर का, ये देख सकते हैं ये 5 डॉलर का नोट है पीछे। और फिर उसके बाद मेरे पास ये 10 डॉलर का नोट है यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये जो नोट है ना, काफ़ी अच्छे नोट हैं ये यूएस डॉलर से, ये प्लास्टिक के नोट हैं तो यूएस डॉलर से मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये। और ये 50 डॉलर का नोट है, ये जैसे देख सकते हैं ये 50 डॉलर का सिंगापुर नोट है। तो ये करेंसी है मेरे पास, तो मैं ये जो है करेंसी एक्सचेंज करवाई थी थॉमस कुक से, जहाँ पे मुझे अच्छा एक्सचेंज रेट मिला था। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है यूएस डॉलर ही एक्सचेंज करवाएं कहीं पे भी जा रहे हैं तो। सो गाइज, अगर आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई है सो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर बताएं। और कोई डाउट हो आपको करेंसी एक्सचेंज करवाने से रिलेटेड, और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, अगर आपको किसी वेबसाइट के बारे में और जानना हो थोड़ा सा, तो आप मुझे DM करके इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, और फेसबुक पर भी मेरी ID गिवन है गोती ऑन द रोड के नाम से, वहाँ पे भी मेरा पेज है, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप मुझे DM में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ से आ जाके आप फॉलो कर लें, और नीचे भी गिवन है यहाँ पर, मैंने दे दिया है आपको, तो यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे ट्यून्ड।